क्योंकि ये जॉनसन का पैनल है, जब भी ये स्टॉप बटन लगा होगा तो ये डोर ड्राइव इसका डोर ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो इसमें डोर ऑपरेटर जॉनसन का डोर ऑपरेटर सिस्टम है, जिसमें हमने एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स, एक कॉमन, तीन वायर है, डोर ओपन, डोर क्लोज, कॉमन। बाकी डीप स्विच के हिसाब से इस मोटर का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये एक स्विच है, ये है क्लोज का, ये स्विच जब दब जाएगा ये डोर क्लोज हो जाएगी, और ये जब स्विच दब जाएगा तो डोर ओपन होने के बाद, फुल ओपन होने के बाद आपका ये दब जाता है। तो अगर आपका डोर फुल ओपन होने में प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा, तो इसको आपको थोड़ा बाहर ही रह जा रहा या अंदर रह जा रहा, तो आपको करना क्या है ना, इस स्विच को नीचे कर दो तो और ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा ओपन करेगी। तो इस स्विच से हम ओपन का एडजस्ट करते हैं एरिया, और इससे क्लोज का, जब डोर अगर क्लोज हो रही है पूरी कपड़ा बंद नहीं करिए, तो इससे कर सकते। और मैन इसको डमी मोड में चेक करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक स्विच होता है, ये देखो लिमिट है, इसको जैसे प्रेस कर लूँगी ये ओपन करेगी, एक बार फुल ओपन करेगी, देखो ये स्विच दबिया हो गए बंद, आप इसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद वो स्विच दबेगा, ये स्विच दबा और ये रुक गई। तो दोस्तों ये दोनों स्विच होता है ओपन क्लोज एंड का, जिसको आप लिमिट बोल सकते हो, दोनों से कमांड कट जाता है। और डोर ड्राइव को स्टॉप करने के लिए ये स्टॉप बटन है, इससे डोर ड्राइव का कमांड हट जाता है। और डोर ड्राइव को मैनुअली चेक करने के लिए ये दो स्विच लगाओ, इससे आप कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा दोस्तों वीडियो, एक रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जो जॉनसन कंट्रोलर में यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।